भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर। डॉक्टर जनाब, आप सुन रहे पीवीसी एफएम 101। मैं हूं आपकी डीजे हुमैरा बंगुलजी आपके साथ स्वीट होम शो में। आज तमाम खूबसूरत समातों को प्रोग्राम में कहूंगी वेलकम एंड खुश आमदीद। बिल्कुल जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद दुआ है कि आप तमाम की सेहत बहुत अच्छी होगी और आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आपके सर पे कभी कोई गम ना हो और आपके सर पे हमेशा खुशियों की बारिश हो। आमीन सुमा आमीन। एंड हमारे हेलो जावेद जी। जी जी जावेद सहर। एक ऑडिशन दिया था आपने लास्ट वीक लाइट स्टूडियो गुलशन इकबाल टाउन में। जी 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 मैडम, दिया था मैंने ऑडिशन। हाँ तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप हमारी नेक्स्ट फिल्म की लीड रोल के लिए सिलेक्टेड हुए हो। ओके ओके मैडम। हाँ तो जावेद जी, कल सुबह 11 बजे आपको हमारे ऑफिस आना होगा, एक छोटी सी ऑडिशन है बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए, और आप हमारी फिल्म के लिए लीड करेंगे। ओके मैडम, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा कल 11 बजे, पहुँच जाऊँगा मैं। जी 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 मैडम, मैं पहुँच जाऊँगा। मगर प्लीज़ थोड़ी सी तैयारी करके आइएगा जैसे इससे पहले करके आए थे। ओके मैडम, ओके, थैंक यू सो मच मैडम। लीड करेक्टर, यस। तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई माँ, फीचर फिल्म में मुझे लीड रोल मिला है। हाँ लीड रोल मतलब हीरो। हाँ अब तुम्हारा बेटा हीरो बनेगा माँ, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई। हाँ सच में तुम्हारी कसम,
फीचर फिल्म है, फीचर फिल्म। जिन मजदूरों ने सारा साल तेरी फैक्ट्री का बोझ उठाया, आज वही तेरी फैक्ट्री पर बोझ बन गए। अपने खून की ईंधन से तेरी फैक्ट्री का इंजन चलाने वाले, तेरे ठंडी कपड़ों का बनवाने के लिए सूरज से बिगड़ जाने वाले ये मजदूर, जब 3-3 माह तक तनख्वाह नहीं मिलती थी तब भी तेरी माना जाते रहे, जबकि ये जानते थे कि हाँ आपको खुदा नहीं है। गरीबों के बच्चों के हाथों से तख्तियां छीनकर अपना तख्त बनाने वाले, कभी सोचा तूने जब इनके झोपड़े में कोई त्यौहार आएगा तो ये बाप अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाएगा? तेरी दौलत की हवस ने इनके बच्चों की दौलत की रोटी तक छीन ली है। इन्हें नौकरी से निकालने से शायद तेरे बैंक अकाउंट में कोई कमी ना है, लेकिन इन बच्चों की आंखों में नमी नमी जरूर आएगी, जरूर आएगी नमी। बस बोल हो गया अय्यूब खान, आज ही मैं कहता हूं फौरन ये मकान खाली कर दो, नहीं तो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ले फिर आ गए सम्राज्य हुसैन। हाँ तो रघु कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं, बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तो रामा, तैयार है? तैयार है, नवाजुद्दीन बन गया भाई, नवाजुद्दीन बन गया। जी बोलिए मैडम। जावेद जी, आपके सीवी फिर से हमारी पूरी टीम ने देखी। जी ओके मैडम। तो फिर आपको दोबारा ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है, ओके? थैंक यू मैडम, थैंक यू। यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शूटिंग नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है, तो सुबह आपको सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। जी जी मैं आऊँगा। जी बोलिए मैडम। गौर से सुन लीजिए क्या क्या लाना होगा। ओके ओके मैं सुन रहा हूँ। आपका पोर्टफोलियो, सीवी और रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस? हाँ सिर्फ 1,00,000 रुपये। ये पैसे आप ही पर तो खर्च होंगे, प्लीज़ इस छोटी सी रकम के लिए आप ये फिल्म मत गवाना जावेद जी। तो आप सुन रहे हो? हेलो 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 जावेद जी आप लाइन पर हो? हेलो हेलो हाहाहाहा